हाय गाइज, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट पीजी का कैंसिलेशन का याचिका था उसको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, 21 मई को ही नीट की पीजी की परीक्षा, ठीक है। बहुत सारे ट्विटर और जंतर मंतर पे लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे और सरकार तक बातें पहुंचाए थे अपनी, और आप देखेंगे मतलब हर न्यूज़ में यही आ रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और जो पेपर है 21 मई को नीट पीजी का होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करना 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए गलत होगा। अब नीट यूजी वाले के लिए बात है, नीट यूजी भी 17 जुलाई को होगा। आप लोग बहुत ट्विटर पे बहुत सारे चीज़ें देखिए, इसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया है कि जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए तो पेपर कैंसिल नहीं होगा और पेपर 17 जुलाई को नीट यूजी का होगा, ठीक है ना। आप देखिए, और ये जो है लास्ट डेट कल तक है, तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नीट यूजी का। और नीट पीजी में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 21 मई होने वाली नीट पीजी को स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस समय परीक्षा का स्थगन केवल अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा, इससे पेशेंट केयर की प्रभावित होगी और तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए गलत होगा, ठीक है। कोर्ट अपनी टिप्पणी में कहा, एडमिशन में किसी भी तरह की देरी से मरीजों के देखभाल और अस्पतालों में काम प्रभावित होता है। परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध पर विचार किया गया है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि हम इस समय परीक्षा स्थगित करने के पेशेंट केयर को प्रभावित नहीं होने दे सकते। कोर्ट ने आगे कहा, राज्य संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर जिन्हें 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, 2,06,000 से अधिक डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले 2 वर्षों में परीक्षा में बैठने वाले डॉक्टरों की संख्या बहुत अधिक है। एग्जाम में देरी अन्य क्षेत्रों में जैसे सुपर स्पेशलिस्ट एडमिशन को प्रभावित करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस वर्ष हमारे पास पिछले 2 वर्षों में हुई परीक्षा देरी के कारण यानी कोरोना वायरस की चिंता नहीं है, अब परीक्षा में देरी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इससे सुपर स्पेशलिटी की परीक्षा आदि के लिए इंटर्नशिप की अंतिम तिथि भी प्रभावित होगी, ठीक है। ये दोस्तों ये तर्क है, जो तर्क दिया गया वो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये है कि ये नीट का आप लोग देख ही चुके हैं, पीजी का नीट पीजी जो है टाइम से होने जा रहा है। अब नीट यूजी में मैंने आपको बता रहा हूँ कि नीट यूजी जो है इसका लास्ट डेट 15 मई है। देखिए 15 मई जो कल है, तो आज जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो फॉर्म फिल कर दें, और नीट यूजी ये पोस्टपोन नहीं होने जा रहा है। नीट यूजी भी आप साफ साफ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैसे टाइम वेस्टेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ट्विटर पे लगे रहिए, फेसबुक पे लोग मतलब ऑनलाइन पेटिशन बहुत सारे चीज़ों किया गया, आप सरकार तक बातें पहुंचा चुके हैं। देखिए ये अब साफ हो गया है कि जो पेपर है उसे टाइम से होगा, तो इसमें आप कोई डाउट नहीं है। 15 से 16 लाख उम्मीदवार परीक्षा में इस बार बैठेंगे, 16 लाख आप मान के चलिए, और मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में कि पेपर कैसा रहेगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है ना। वो भी नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे। तब तक चैनल पर अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब किए। थैंक यू, बाय।